उनके आज वीडियो सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो आपके जो नीट में है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। देखिए आपको पता है न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, आउटर मोस्ट शेल में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, और अंदर में क्या रहता है, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। तो वन का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब कैथोड रे वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक्स, जे जे रदरफोर्ड एंड नन ऑफ दिस, ठीक है। आपको पता है कि ये विलियम क्रूक्स ने दिया था कैथोड रे, भाई बेसिकली ये जो था एक्सपेरिमेंट वो विलियम क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट था। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, इसमें कोई लॉजिक्स नहीं है, आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। कैथोड रे क्या कंसिस्ट करती है, तीसरा क्वेश्चन। फर्स्ट समझ में आया, फर्स्ट का आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट का आंसर आपका होगा बी, सेकेंड का आंसर क्या होगा, सेकेंड का आंसर होगा ए, थर्ड। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई लॉजिक्स नहीं होते बेटा, ठीक है। थर्ड वन इज योर क्या बोल रहा है, कैथोड रे आर प्रोटोन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ऑब्वियस बात है, कैथोड रे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो थ्री का आंसर क्या होगा आपका, थर्ड का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नाउ फोर्थ वन, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कैथोड रे हैव मास ओनली, चार्ज ओनली, नो मास, मास एंड। ऑब्वियस बात है, जब आप ये सोचिए, जब कैथोड रे क्या कंसिस्ट करता है, कैथोड रे इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज भी होता है, इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी होता है, ठीक है। तो इसका फोर्थ आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, मास एंड चार्ज, ठीक है। नाउ फोर्थ का सी दिया हुआ, अच्छा सॉरी फोर्थ का डी, मास एंड चार्ज बोथ, हाँ दोनों कंसिस्ट करता है, फोर्थ का डी होगा, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। बड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोला, कैथोड रेज आर मेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ऑप्शन बी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑब्वियस बात है, कैथोड रे इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है, तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सिक्स बोला कैथोड रे आर प्रोड्यूस व्हेन द प्रेशर ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब इन द ऑर्डर ऑफ, मतलब आपको बताया होगा मैंने जब जे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर क्या रखा था, बहुत ज्यादा कम रखा था, तो वो अप्रोक्सीमेटली 10^-2 to 10^-3 mm of Hg रखा था, कितना रखा था, mm of Hg। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कैथोड रे ट्यूब इज यूज्ड इन, ठीक है। ये देखो क्या था, कैथोड रे ट्यूब जो था, आपको याद है मैंने बताया था जो इस तरीके से वहां पे जो ऐसा बना था, एक ट्यूब बनाया था उसने, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था, कैसे समझाता हूं, रुको एक स्क्रीन जैसा था, हाँ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया था और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया था, ठीक है। तो आपको याद होगा एक ऐसे जा रहा था, एक ऐसे जा रहा था, एक ऐसे जा रहा था, ठीक है, वो कैथोड रे ट्यूब था। तो ये टेलीविजन, पुराने जो टेलीविजन होते ना उनमें ये यूज होता था, ठीक है, इसी को कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 8 का क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कैथोड रे, कैथोड रे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, सही बात है, कैथोड रे एंड द मास ऑफ पार्टिकल कंस्टिट्यूएंट कैथोड रे डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस, ठीक है। चार्ज एंड मास ऑफ द पार्टिकल does not depend upon the material of the cathode, ठीक है, the ratio charge to the mass of the particle much greater than that of anode ray, ठीक है। तो obvious बात है, answer गलत क्या होगा, charge of mass of the particle depend upon the nature of the gas, ये गलत statement था। आपको याद होगा जब discovery of cathode ray, मैं आपको बताया था कि cathode ray के experiment में आप कोई भी gas use कर लो, it does not depend upon charge to the mass, मतलब E by M का जो रेशियो हमने चार कैथोड रे के लिए निकाला था वो किसी भी नेचर ऑफ द गैस में डिपेंड नहीं करता, लेकिन एनोड में ऐसा नहीं है, एनोड रे में क्या होता है, एनोड रे में नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बी गलत स्टेटमेंट है। 9 नंबर क्या बोला, विच वन इज नॉट ट्रू फॉर कैथोड रे, दे हैव काइनेटिक एनर्जी, सब्सटेंस टू शो फ्लोरोसेंट, दे कॉज सर्टेन सब्सटेंस टू शो फ्लोरोसेंट, सॉरी दे हैव काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, they cause certain substance to show fluorescence, they travel in a straight line, ठीक है, they are electromagnetic waves। तो देखो kinetic energy जो थी जब travel कर रहा है cathode से anode की तरफ travel कर रहा है, तो obvious बात है जो कोई particle travel कर रहा है उसके मतलब kinetic energy तो उसके पास है। दूसरी बात वो क्या बोल रहा है, दूसरी बात बोल रहा है they cause certain fluorescence, obvious बात है जब वो एक जिंक सल्फाइड में जब करता था तो एक चमक से पैदा करता था, तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी क्या बोला, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये भी सही है, और दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये गलत है, कैथोड रे कभी
नहीं होता है, तो आपका 9th का आंसर क्या हो जाएगा, 9th का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक इज योर इनकंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। 10 और 11 आप इनकंप्लीट क्वेश्चन है 10 और 11, ठीक है। आपको 10 और 11 के लिए बोनस मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। आप 8 मार्क्स अपने मैथ के इनकंप्लीट क्वेश्चन आगे गलती से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Cl माइनस आयन। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl माइनस मतलब क्या, ओरिजिनल में कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर उसका कितना होता है 17 होता है इसका, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज नथिंग बट 18 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, कितने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन, तो दैट्स नथिंग बट आपका आंसर क्या होना चाहिए, सी हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा। 13 नंबर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द ट्रिटियम इज, ट्रिटियम मतलब क्या होता है, देखो हाइड्रोजन का तीन आइसोटोप्स होता है 1, 1, 1, 2 और 1, 3, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिटियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिटियम। तो उसने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ट्रिटियम, न्यूट्रॉन मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर जो हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, तो एटॉमिक मास कितना 3 माइनस प्रोटॉन 1, तो दैट्स नथिंग बट 2 इज द आंसर, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 13 का बी, ठीक है। 14 नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टोटल नंबर ऑफ क्या पूछा उसने, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा, तो मतलब एटॉमिक नंबर क्या है, तो इसका 7 + 7 + 2 × 8, दैट्स नथिंग बट 16 + 7 = 23, दैट इज योर ऑप्शन, तो दैट्स नथिंग बट योर आंसर 14 का ए, ठीक है। 15 नंबर बोला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हैवी हाइड्रोजन एटम इज, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हैवी हाइड्रोजन एटम कुछ नहीं, यही हैवी हाइड्रोजन एटम होता है, ट्रिटियम इज नथिंग बट हैवी हाइड्रोजन एटम, इसी क्वेश्चन को उसने घुमा के पूछ दिया। तीन आइसोटोप का मतलब क्या हो कि एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास मास क्या हो, डिफरेंट हो, तो सबसे ज्यादा मास किसका, हाइड्रोजन का, ट्रिटियम में देखो 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, जनरली हमेशा नेचर में तो ये पाया जाता है, बट ये कभी कभी एक्सेप्शनली ये भी पाया जाता है, तो ट्रिटियम इज द हाइएस्ट मास ऑफ द हाइड्रोजन, ट्रिटियम का जो मास होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 2 होगा, अगेन ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन 15 एक ही है, बट क्वेश्चन घुमा के उसने पूछ दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल प्रूव दैट एटम हैज न्यूक्लियस, याद है रदरफोर्ड का ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था जो उसने ये प्रूव किया था कि एटम के पास क्या है, एटम के पास है 16 के बाद करो मैं 15 हो गया हमारा, ठीक है 16 के बाद रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट एटम हैज न्यूक्लियस, ऑब्वियस बात है एटम का मतलब रदरफोर्ड का सबसे बड़ा मतलब एक्सपेरिमेंट उसने किया था, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा देन था कि उसने न्यूक्लियस की खोज की थी, और यही यही चीज आज भी हम एक्सेप्ट करते हैं, बोर्स ने भी अपना मॉडल इसी पर बेसिस पर तैयार किया था, क्योंकि उसने अभी भी सेंटर में न्यूक्लियस ही माना था, और बाद में सराउंडिंग में जो भी उसने माना था इलेक्ट्रॉन वगैरह राउंड घूमते रहता है, लेकिन ये तो बात उसको भी एक्सेप्ट करता था कि एटम के पास न्यूक्लियस होता है, तो 16 का आंसर क्या होगा सी। 17 क्या बोल रहा है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लेड टू द कंक्लूजन दैट मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स आर ब्यूराइड डीप इन द न्यूक्लियस, बी प्रिसाइसली डिटरमाइन द पॉइंट इंपैक्ट दैट मैटर कैन बी प्रिसाइसली डिटरमाइन, ओके इसका ऑप्शन जो होगा बेटा इसका मेरे हिसाब से आंसर होगा बी, क्यों सी डी में तो कोई देखो कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा, ऑप्शन क्या बच रहा है बी, उसने क्लियरली रदरफोर्ड का क्या माना था कि भाई न्यूक्लियस सेंटर में होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाकी का स्पेस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है, हालांकि वो तो एम्प्टी ही होता है बट जो भी बचा हुआ स्पेस वो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है, जो आंसर क्या है 17 का क्या है बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 द एलिमेंट यूज्ड बाय रदरफोर्ड इन हिज फेमस एक्सपेरिमेंट ऑब्वियस बात है गोल्ड, 18 का एक गोल्ड यूज किया था, ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ये तो मुझे लगता है, ठीक है। 19 नंबर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने गोल्ड यूज किया था बेटा ये याद रखना, ठीक है इसलिए रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग गोल्ड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। 19 नंबर क्या बोला अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड कंक्लूड दैट द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज exactly equal to the number of proton alpha particle scattering experiment of Rutherford conclude that the nucleus is made up of proton neutron, ये बात सही था।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन द एटम, ये भी बात सही था। पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड दिस क्रिएट एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये क्या कंक्लूड, रदर फॉर अल्फा स्कैटरिंग जो था वो क्या कंक्लूड किया था कि न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये बात गलत है। न्यूक्लियस किसी से बना हुआ नहीं है, न्यूक्लियस एक हम क्या बोलते हैं एक जगह है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था, बट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना हुआ नहीं, ये गलत स्टेटमेंट हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, देखो ये स्टेटमेंट सही भी है और ये सही भी है, ऑप्शन इसका बी और सी दोनों सही है। आप सी भी कर दे तो भी ऑप्शन सही है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के सेंटर में रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है, वो बिल्कुल सही बोला इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है एटम का साइज बड़ा होता है। तो बी और सी आप दोनों ठीक था, इसमें अगर आप दोनों से कोई भी टिक कर देते दोनों आंसर सही था, बी और सी इसका आंसर होगा 19 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस कम्स फ्रॉम, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल किसमें, इनमें से जो एक्सपेरिमेंट थे उसमें से किसमें से एटम में न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस का पता चला था, तो ऑब्वियस बात है अल्फा स्कैटरिंग बाय अ थिन फॉइल मैटर, तो मेरा आंसर क्या होगा 20 का डी, क्योंकि बाकी मिलिकन ने क्या दिया था चार्ज का चार्ज बाय मास का मतलब एग्जैक्ट चार्ज बताया था, ठीक है, वो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब बोर्स का ये दिया हुआ था, जो मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताया था वो भी ये नहीं बताता। मैग्नेटिक बेंडिंग ऑफ कैथोड रे ये भी न्यूक्लियस नहीं बताता, ऑब्वियस बात है अल्फा स्कैटरिंग जो दादा फोर्ड ने किया था गोल्ड फॉइल पे वही न्यूक्लियस का एविडेंस देता है कि एटम में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला, तो 20 का मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या क्या बोला है, देखो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम, अच्छा ट्रू बट नॉट ट्रू बताना, बाकी ये स्टेटमेंट तो ट्रू ही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑलवेज इक्वल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रोटॉन आर ऑलवेज इक्वल, तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑलवेज इक्वल ये गलत बताया, देखो प्रोटॉन जितना रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये कंफर्म बात है, क्योंकि जितना पॉजिटिव रहेगा उतना नेगेटिव चार्ज बाहर रहेगा, इसलिए ओवरऑल एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। बात यहाँ आयन की नहीं कर रहा मैं, बात एटम की कर रहा हूँ, तो एटम पे कोई एटम पे दोनों चार्ज क्या होंगे बराबर होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना प्रोटॉन होंगे। ऑप्शन बी ए और डी, ए बी डी ऑप्शन सही है, गलत स्टेटमेंट क्या है सी, कभी भी जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा बराबर हो, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज रिलेटेड टू द नंबर, अगेन ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आर इक्वल टू आर नॉट, मैंने बताया था रदरफोर्ड ने एक बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया था जहां से उसने ए रेस टू 1/3 ये फार्मूला दिया भी था मैंने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, तो वही उसने पूछ दिया डायरेक्ट फार्मूला, तो 22 डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज 10^-, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज, देखो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होता था, वॉल्यूम ऑफ एटम को हम लिख सकते हैं 10^15, और ये जो होता है मेरा 23 का वन 10^-12 टाइम स्मॉलर देन दैट ऑफ आपको याद है मैंने एक रिलेशन दिया था आपको, वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10^-15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो एग्जैक्टली आंसर ये होगा, तो इसमें से चारों ऑप्शन गलत है, 10^-4 भी नहीं होगा, 10^-8 भी नहीं होगा, 10^-12 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन ये इज द करेक्ट, इनका रेशियो 10^15 टाइम्स होता है, तो ये भी आप करेक्ट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको बोनस मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द एटम हैज न्यूक्लियस, रदरफोर्ड अगेन क्या बताया था, न्यूक्लियस बताया था कि एटम के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्वेश्चन नंबर मतलब सेम क्वेश्चन इससे पहले वाला था। क्वेश्चन नंबर 25 क्या होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन आर्मस्ट्रांग, ठीक है, आर्मस्ट्रांग में मेजर किया जाता है हमेशा, ये भी याद रखिएगा, याद रखने वाली बात है, एनसीईआरटी के लाइन में क्वेश्चन था ये पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26,
वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ठीक है। वेव नेचर को किसने डिस्कवर किया था, वेव नेचर को डी ब्रॉगली ने डिस्कवर किया, इसलिए उसने एक इक्वेशन दी थी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो ये अच्छा इक्वेशन था ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, अगेन डी ब्रॉगली का ही कांसेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन दोनों नेचर शो करेगा, ये भी शो करता है पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी ठीक है। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका है, 26 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 28 among the following for one mathematical equation lambda is equal to h upon p, ये कौन दे रहा है, ऑब्वियस वाला lambda equal to h upon p, डी ब्रॉगली का इक्वेशन था, तो ऑप्शन ए 28 का ए ऑप्शन होगा ठीक है। 29 डी ब्रॉगली इक्वेशन, 29 क्या बोला, डी ब्रॉगली इक्वेशन रिलेशनशिप ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी है, लैम्डा बराबर डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है एच अपॉन पी, तो वेवलेंथ का किससे रिलेशन है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन से ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, डिस्क्राइब रिलेशनशिप ऑफ 29 का ऑप्शन सी होगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 डी ब्रॉगली इक्वेशन टेल अस रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोटॉन, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन पार्टिकल, रिलेशन इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर ऑफ वेव एंड पार्टिकल, तो बराबर आंसर क्या होगा 30 का डी, ऑब्वियस होता है डी ब्रॉगली हमें ड्यूअल नेचर ही बताते हैं इलेक्ट्रॉन का। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन लाइट बोथ एज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल एंड वेव मोशन, तो ऑब्वियस होता है लैम्डा, उसने बताया था अपना डी ब्रॉगली ने बताया था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी से मुझे क्या पता चलता है इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी और पार्टिकल है। देखो सेम क्वेश्चन के पैटर्न है बट क्वेश्चन अदर अदर लैंग्वेज में चेंज किया और कॉन्सेप्ट वही होता है। 31 का भी हो जाएगा, 32 का विच इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंट ऑफ लाइट लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 32 का ए इज द करेक्ट आंसर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, सेम क्वेश्चन है। 33 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द डी ब्रॉगली रिलेशनशिप लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, अगेन सेम क्वेश्चन है ये। 34 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Which particle among the following have the smallest de Broglie wavelength? देखो de Broglie wavelength, देखो lambda, अब यहाँ पे ये question अच्छा था, lambda जो है inversely proportional to क्या है mv, मतलब lambda जो होगा inverse relation होगा mass के, तो जिसका जितना ज्यादा mass होगा उसका wave nature उतना कम होगा, तो positron, photon, alpha particle और न्यूट्रॉन, तो आपको अभी से पता है इसका आंसर क्या होगा, अल्फा पार्टिकल का सबसे ज्यादा मास होता है ठीक है, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन फोटोन एक इलेक्ट्रॉन होगा, पॉजिट्रॉन भी एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, न्यूट्रॉन का मास समझ करो थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इज 4 times मास ऑफ न्यूट्रॉन, याद रखिएगा ठीक है। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है 4 times मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है और 4 times मास ऑफ प्रोटॉन होता है, इस बात को याद रखिएगा ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का वेव नेचर सबसे कम होगा, मतलब लैम्डा की वैल्यू सबसे कम हो गया, तो 34 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 द मिनिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद, जिसका सबसे ज्यादा मास होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन CO2 का मोलर मास 44 है, SO2 का मोलर मास कितना 32 + 32 = 64, तो ऑब्वियस बात है 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि इसका सबसे ज्यादा मास है तो वेवलेंथ सबसे कम होगी, 35 का डी हो गया। 36 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट वाज कंसीव्ड बाय, possibility of finding an electron in an orbit was conceived by Schrödinger, याद है Schrödinger ने ये जो psi square का equation दिया था, Schrödinger equation, ये psi square की मतलब क्या बताता है, probability of finding an electron in an orbital, तो Schrödinger equation हो जाएगा, 36 का D हो जाएगा option। 37 क्या बोल रहा है, uncertainty principle and the concept of wave nature was proposed by, uncertainty किसने दिया था, Heisenberg ने दिया था, और कॉन्सेप्ट ऑफ वेव नेचर ऑफ मैटर वाज प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगली, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 37 का ए हो जाएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल और लाइक इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली डिटरमाइन, तो ये किसका स्टेटमेंट था, आपको याद होगा हाइजेनबर्ग का ये मानना था, देखो बोर ने क्या बोला था, बोर ने बोला था अब मैं भाई जो मैं इक्वेशन दे रहा हूँ उससे आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हो, किस ऑर्बिट में वो पता कर सकते हो, उसका रेडियस पता कर सकते हैं, लेकिन हाइजेनबर्ग का क्या मानना था कि डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, इसका मतलब अगर आप एज अ पोजिशन निकाल तो उस समय आप मोमेंटम नहीं निकाल सकते हो, तो ये हाइजेनबर्ग का मानना था ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट हाइजेनबर्ग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इक्वेशन डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई वेयर डेल्टा पी स्टैंड्स फॉर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, तो 40 का अगेन ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या वाला, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज इनक्यूटेड बाय हाइजेनबर्ग का था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब हाइजेनबर्ग ही था, रदरफोर्ड भी नहीं हो सकता, कॉली भी नहीं हो सकता, आइंस्टाइन भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ही ऑप्शन था। 42 का साइमल्टेनियसली डिटरमिनेशन ऑफ एग्जिट एंड पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इम्पॉसिबल, कभी भी आप पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकाल सकते, ये हाइजेनबर्ग का मानना था, तो 42 का आंसर बी होगा। 43, डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई शोस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगेन 43 का बी, देखो सेम ही क्वेश्चंस है बट अलग अलग लैंग्वेज में उसको मैंने प्रिटेंड किया हुआ है, ठीक है हमने। 44, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड ऑर्बिटल फिजिकल मीनिंग। 44 का मुझे लगता है आंसर होगा प्रोबेबिलिटी बताता है, एक्चुअली में जो डेल्टा पी और डेल्टा एक्स था वो अनसर्टेनिटी था, अनसर्टेनिटी मतलब यू आर नॉट सर्टेन फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग्स, तो दैट इज वही प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम जो डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ही बताते हैं कि हाँ भाई लंब सम ये यहाँ पे मेरा पोजिशन होगा, लंब सम ये मोमेंटम होगा, बट आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, ये हाइजेनबर्ग का माना था, तो 44 का ऑप्शन ये हो जाएगा। 45 क्या बोला, अनसर्टेनिटी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, अनसर्टेनिटी पोजीशन विल बी, देखो क्या बोला है, अनसर्टेनिटी डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, तो क्या बोला है, अनसर्टेनिटी मोमेंटम आपको दिया हुआ कितना 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 5, और उसने क्या पूछा, अनसर्टेनिटी पोजीशन, तो डेल्टा एक्स आपको उसने पूछा है एच की वैल्यू क्या था 6.6 10 रेज टू माइनस 34 4 पाई, ठीक है, तो यहां से आप डेल्टा एक्स निकाल लीजिए, बस डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो ये जो ऑप्शन आएगा आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है यू कैन पर्सनली